कंटिन्यू आवर चैप्टर फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज 1.6 पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1112, 336, 9001, 8213। इसमें हम सबसे पहले छोटी डिजिट लिखेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगी नंबर होगा उसे लिखेंगे। यानी हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट है 336, लेस देन का साइन लगाएंगे। 1112, लेस देन का साइन लगाएंगे। 8213, लेस देन 9001। लास्ट में हमारी ग्रेटर, जो सब ग्रेटर नंबर होता है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5539, 5583, 5577, 5561। आप इसमें देखेंगे थाउजेंड की डिजिट सारी 5000 की हैं, तो हम इसके वन टेंस और वंस की डिजिट से इसकी नंबरिंग करेंगे। अब हम लिखेंगे, जब लिखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी कौन सी है इसमें से, 5539, लेस देन 5561। इसके बाद अब हमारी कौन सी बची है, ये दो नंबर्स, तो लेस देन 5577, लेस देन 5583। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1205, 8098, 6085, 1348। तो इसमें हमारी सबसे जो छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1205, लेस देन 1348, लेस देन 6485, लेस देन 8098। हमारा अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमारा होता है वो असेंडिंग ऑर्डर के जस्ट अपोजिट होता है। उसमें जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं, ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटर डिजिट लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 3638, 5120, 845, 4133। तो इन सब में हमारी सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5120। तो हम लिखेंगे 5120 ग्रेटर देन, इसके बाद हमारा कौन सा है, 4133 ग्रेटर देन 3638 ग्रेटर देन 845। नेक्स्ट है 2002 2023 2046 2071। अब इसमें हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 2071। तो हम लिखेंगे 2071 ग्रेटर देन, इसके बाद है हमारा 2046 ग्रेटर देन 2023 ग्रेटर देन 2002। और लास्ट में हमारी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, इसमें 2002। नेक्स्ट हमसे 4783, 1963, 2468, 7363। इसमें हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है, 7363। तो हम लिखेंगे 7363 ग्रेटर देन, इसके बाद हमारा है 4783 ग्रेटर देन 2468 ग्रेटर देन 1963। अब आपको ये सारे सम्स समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब आप ये प्रैक्टिस के लिए जो मैं सम्स दे रही हूँ इनको कीजिए। थैंक यू।
Thank you.